हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी है, सबसे पहले मेरा आया है पार्सल फ्लिपकार्ट से। मैंने एक मोबाइल होल्डर मंगाया था जो फ्लेक्सिबल है, तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं ये सही आया है या ख़राब पीस आया है, क्योंकि मैंने इससे पहले एक बार मंगा चुका हूँ। तो वो थोड़ा दूसरा जो पीस मैंने मंगाया था वो पीस आया नहीं, कुछ और पीस आया था। तो मे बी आई होप कि बस वैसा ही पीस ना आया हो दोबारा, तो थोड़ा पर अनबॉक्स कर लेते पहले, ठीक है। यूनिवर्सल वाई होल्डर देखते हैं इसके अंदर, बस ये आई होप वैसा ही पीस ना हो दोबारा कुछ। ओहो, ये पीस सही आया है इस बार, जेन्युइन पीस आया है। तो गाइस, ये है मेरा जेन्युइन पीस, पहुंच चुका है फ्लेक्सिबल। एक सेकेंड में, सॉरी गाइस, तो कॉल आ गया था थोड़ा इंटरप्शन के लिए। तो ये है मेरा जेन्युइन पीस, मेरा पहुंच गया फाइनली। तो ये है पीस, ये फ्लेक्सिबल के लिए है, आपके लिए बहुत टाइट फ्लेक्सिबल है, बट अच्छा लगा मुझे, पहुंच गया मेरे पास ये। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ये जो फ्लेक्सिबल है ये मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि ये ज़्यादा साइज बेटर रहता है, क्योंकि ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है, आपको आप किसी भी उसमें कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। 360 तो होता है यहाँ पे आपका, ये जो 360 घूम मतलब सॉरी थोड़ा फ्लेक्सिबल, थोड़ा राउंडेड घुमाने के लिए सही, ये तो होता ही है यहाँ पे। बट ये भी आपके ये इसलिए दिया है क्योंकि ये बेटर रहता है, क्योंकि थोड़ा आप मोबाइल को अपने थोड़ा अपने लायक एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे नॉर्मली नॉर्मली, जिस हिसाब से आप एडजस्ट करना चाहते हो उस टाइम जब मोबाइल में प्लग हो जाएगा तब। और इसमें है इसमें यहाँ से आप ये है स्क्रू, ये है यहाँ पे स्क्रू, तो आप यहाँ इसी स्क्रू को आप लूज करके ढीला कर सकते हैं, ठीक है। इसको ये ढीला हो सकता है, ये पूरा ये ढीला हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे है ये है ग्राउंड कर राउंडिंग घुमाने के लिए, तो ये फ्लैक्स होने के लिए ये खुलेगा, ओपन होगा, जितना आपका मोबाइल बड़ा है सबसे फ्लैक्स होगा इसका, ठीक है। और एक यहाँ पे बीच में सेंटर में भी दे रखा है इन्होंने ये घूमने के लिए, राउंड घूमने के लिए, थोड़ा ये ऐसे ये लूज राउंड घूमने के लिए। अगर आप यहाँ से प्लग कर देते हैं इसको, इसको भी टाइट कर देंगे, ठीक है, तो ये लूज नहीं होगा इसके बाद, अब नहीं हो रहा लूज, तो ये अच्छी बात है। तभी मैंने ये मंगाया है। तो अब इसको सबसे पहले बाइक में लगाते हैं, अभी ठीक भाई का कॉल आया है, ठीक टाइम पे भाई का भी कॉल आ गया है। तो आज चलते हैं, आपको न्यू बाइक दिखाऊंगा की जो पहली बाइक है वो उसको दिखाता हूँ मैं आज, उसको मैं बता उसके बारे में रिवील करने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा की जो पहली बाइक है वो इकलौती बाइक है वो, अभी तो देखते हैं, पहले इसको बाइक में माउंट करते हैं फिर चलते हैं बाइक में। वैसे अभी माउंट हो पाएगा तो होगा, नहीं तो फिर वहीं से कोई किसी शॉप में जाके माउंट कराएंगे इसको। चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस, मैं फ्रेश अप होके आ चुका हूँ और अब चलते हैं सीधे, सबसे पहले बाइक में माउंट करते हैं अपने मोबाइल होल्डर को। तो मैं अभी देखता हूँ, मैं अपने हिसाब से मैं तो नहीं करूँगा, मैं शॉप में ही चलता हूँ सबसे पहले मोबाइल होल्डर को अपना वो माउंट करने के लिए उसमें, और फिर उसके बाद चलते हैं अपने भाई को। भाई का कॉल आया था जो ठीक वीडियो बनाते समय, तो उसको कॉल करेंगे अगर उसका पहले कॉल आ गया तो, ठीक नहीं तो हम करेंगे कॉल भाई आओ करके, फिर आपको मिलाते हैं, आपको रूबरू कराते हैं न्यू बाइक से, जो पिथौरागढ़ की जो पहली बाइक है और इकलौती बाइक है अभी पिथौरागढ़ में। तो ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस, मैं निकल चुका हूँ घर से और आज का मौसम तो बहुत ही खराब है, धूप भी नहीं आई ढंग से आज, ठीक है, आ ही नहीं धूप आज, तो आज सुबह से मौसम खराब है। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले जाना है पोस्ट ऑफिस, मम्मी का काम है, मम्मी ने काम दिया है, तो पहले पोस्ट ऑफिस जाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं अपने भाई लोग से, सॉरी भाई लोग से मिलने से पहले अपना काम कर लेंगे। तो मैं बताऊंगा आपको, ये किस जगह पे अच्छे से माउंट करना पड़ता है इस वाले मोबाइल होल्डर को, ये दूसरे मोबाइल होल्डर से अलग है एकदम, और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मोबाइल होल्डर यही है। तो अभी चलते हैं सबसे पहले पोस्ट ऑफिस फटाफट से।
तो मैं अभी पहुंच गया हूँ पोस्ट ऑफिस। पहले पोस्ट ऑफिस का काम कर लेते हैं मम्मी का। अभी ऐसा है कि काम हम हो नहीं रहा है, पोस्ट ऑफिस में उन्होंने सीधे बोल दिया कि नेट नहीं चल रहा है, तो मम्मी का जो काम था पोस्ट ऑफिस में वो होने नहीं वाला है आज, तो अब चलते हैं सीधे, तो अब सीधे चलते हैं माउंट कराने। और देखो यहाँ कॉलेज के बॉयजन गर्ल्स कॉलेज खुल रखा है, बढ़िया था कॉलेज में, सही होता है, टाइम पास हो ही जाता है अपना, मतलब टाइम अच्छे से स्पेंड हो ही जाता है। ये देखो एक बाइक एक स्कूटी में तीन तीन सवार है वहाँ पे, भाई साहब दोनों अलर्ट रहने, एक लग रहे नहीं रहने। अभी यहाँ पे आ गया मैं माउंट करने के लिए, ड्रिंक अपना नमस्ते अंकल, अंकल एक काम है, ये इसको माउंट कर, इसको यहाँ लगाना है यहाँ पे। तो गाइस मैंने लगा दिया है, जैसे कि ये जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लगता है मिरर के इस वाले में, मिरर के अलग शुरू में लगता है यहाँ पे। ये सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ से देखो मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ टेढ़ा मेढ़ा, जितना ऊपर करना चाहें जितना नीचे करना चाहें, तो ये बेस्ट लगता है। तो चलते हैं, भाई लोग आ चुके हैं, तो भाई लोग आ चुके हैं और चलते हैं सीधे इधर। कोई पागल टाइप के अल्लेट से कैसे लोग होंगे यार, पता नहीं यार, लोग देख नहीं सकते क्या, फास्ट गाड़ी एक ही साइड देखते हैं लोग, दूसरी साइड से देखो भाई इधर से भी गाड़ी आ सकती है भाई। भाई लोग पहुंच गए, देखो भाई का हेलमेट देखो, मतलब है हेलमेट दिख रहा था, तो हेलमेट दिख रहा है, ये उसने लगा रखा है मुंह, तो मेरा भी आने वाला है कुछ देर बाद, बैठाना अब बैठाना भी चला, कहीं चलेंगे चलो ऊपर चलते हैं कहीं भी जहाँ पे, हाँ ठंडा भी चलते हैं। तो भाई लोग मिल गए हैं, तो ये भाई के पास जो बड़ी बाइक आई थिंक जितनी थोड़ा दिखा होगा, तो वही बाइक है तो मैं रिवील करने वाला हूँ आज, और भी पहली बाइक है ये जो, तो उसके बारे में अभी थोड़ा देखते हैं, अभी दिखाते हैं। तो अभी चलते हैं, पहले सबसे पहले चंडाक चल लेते हैं, चंडाक चलेंगे तो फिर थोड़ा अच्छी बाइक के बारे में बता सकेंगे, मतलब थोड़ा एक आधे जगह मिलेगी तो वो जरूरी है, खासी जगह। तो गाइस ये है भयंक पिथौरागढ़ की मार्केट, और आज सब तो भयंक इतना मौसम खराब में भी लूँ मार्केट कैसे याद दे रहे हैं भयंकर यार। चलो हम तो मतलब हम तो ब्लॉगिंग करने आ रहे हैं, बड़ी लूंग बड़ी लूंग क्या करने आ रही है भाई जी, भाई देखो दूर से देख रही है, दूर से इसने भी हजार दुलार खेल है कि कुछ। तो जैसा कि आपको पता है अपने भाई लोग ये पिछले ब्लॉग में ही दिखे थे, जैसे राइडर अपना विक्की चैन और पीछे अपना भाई जोगी कॉमेडियन कॉमेडियन बाइक की बाइक देख लो पहले एक बार, एक झलक ऐसी देख पा रहा होगा बाइक की बाइक। तो मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दूंगा, मैं भाई भाई अपने पूरी डिटेल देगा बाइक के बारे में कि मतलब कितने की पड़ी और किलोमीटर की पड़ी। अरे देखो मतलब ये साफ बन रही है, मतलब साफ बन रहे, तभी थोड़ी पानी का सुन ली, मतलब साफ बन रही है। तो चलते हैं सीधे खाली टाइम में सी करते हैं, सीधे ठंडा करते पहले। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं चंडाक, चंडाक की फील्ड में पहुंच चुके हैं, जो यहाँ यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं फोटो शूट करने, दिखा देता हूँ मैं आपको, ये है एरिया चंडाक का, बहुत सही एरिया है, यहाँ पे फोटो शूट कर सकते हैं। और ये है मेरी मिनी बाइक और भाई की जो मेन है जो पिथौरागढ़ की
पहली बाइक है तो उसके बारे में अभी बताते हैं। भाई से पूछेंगे, भाई के भाई से बाइक के बारे में उसका रेट सब पूछा जाएगा उससे। चलते हैं भाई के पास, सबसे पहले भाई से पूछते हैं। ये है अपना भाई विक्की चैम ब्रो। कैसे हैं आप भैया? आप कैसे हैं? ठीक है। तो भाई ये है, सबसे पहले बता देते हैं भाई, बाइक का नाम बताओ। और ये बाइक है आपकी रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर 650। हाँ, जो कि मैंने बरेली से परचेज करी है। और यहाँ पिथौरागढ़ में इसकी वेटिंग मैक्सिमम 6 to 7 month की जा रही थी, तो इसलिए मैंने बाहर से ही लेना सही समझा। तो ये गाड़ी आपकी है 650 cc, 650 cc जो कि 47 horsepower के साथ आती है। 47, ओह माय गॉड। ये ड्यूल चैनल ABS, इसमें फ्रंट भी ABS है और रियर भी ABS है। बाकी इसकी हेडलाइट जो है, उसका हेडलाइट की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। मतलब विजिबिलिटी मैंने देखी तो बहुत अच्छी लगी मुझे, वाइड एंगल में, बहुत वाइड एंगल में लेती है विजिबिलिटी, तो बहुत प्यारी लगी। और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इस गाड़ी में बहुत अच्छा रहा है अभी तक का, पावर के हिसाब से भी, और नॉर्मल चलना है तो नॉर्मल भी बहुत अच्छा रहा है एक्सपीरियंस। अच्छा, तो अब मुझे ये बताना है ये बाइक पड़ी कितने की है आपको? ये गाड़ी मुझे पिथौरागढ़ के रजिस्ट्रेशन के साथ अप्रोक्स मतलब 3,27,000 के आसपास पड़ी। ओ माय गॉड, 3,27,000, जो कि 650 cc में फेयर प्राइस है। मतलब ओके, हम 650 cc दे रही है तो 3,27,000 जायज प्राइस है। मतलब और मैं इसमें देख रहा हूँ, इसमें डबल साइलेंसर भी दिख रहा है। ये गाड़ी ड्यूल एग्जॉस्ट और ड्यूल सिलेंडर गाड़ी है। मेन बात तो ये है कि दो सिलेंडर बाइक है, ड्यूल एग्जॉस्ट के साथ। कि टैंकी के बारे में देखा नहीं, पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से 15 liter की टैंकी है इसकी। सर 15 liter की? ओके, बता मुझे ये तूने ग्रे कलर ली या तुझे तेरा कोई और भी कलर है इसमें? अरे कुछ मतलब ऐसा था कि मैंने ब्लैक ऑर्डर कर रही थी गाड़ी। हाँ। तो उसमें 2 महीने की वेटिंग थी ब्लैक में। जब वेटिंग पीरियड खत्म हुआ, तो जब गाड़ी डिलीवर का टाइम आया, तो ब्लैक अवेलेबल, उसने फोन करा तो हमने वो कह रहा था कि ब्लैक अवेलेबल अभी नहीं है, थोड़ा टाइम और लगेगा ब्लैक अवेलेबल होने में। अच्छा। तो मुझे तो गाड़ी चाहिए थी जरूरी। हाँ। तुरंत चाहिए थी, तो मैंने कह रहा था सिल्वर अवेलेबल होगी अभी, तो मैंने सिल्वर उठा ली गाड़ी। अच्छा, तो ये बताना है ब्लैक में थोड़ा रेंज हाई, थोड़ा और एक्स्ट्रा है या प्राइस वेरिएंट में चेंज है? 2 model और इस अबव। हाँ। टॉप मॉडल ले सकते हो आप, वो कलर थोड़ा, एक क्रोम है और एक ब्लैक और रेड का एडिशन है, तो उसमें मैटी ब्लैक नहीं, रेड और ब्लैक का एडिशन है, उसका नाम तो नहीं पता मुझे। उसमें कुछ नहीं, इसके प्राइस से 5-10 हज़ार रुपए ज्यादा था। मतलब अच्छा, उसका प्राइस 5-10 हज़ार रुपए ज्यादा था कलर का। अच्छा। बाकी बेस मॉडल में थे आपके ये, एक तो ये सिल्वर हो गया, एक ब्लैक और ऑरेंज कलर का, तीनों का प्राइस सेम था। अच्छा, हाँ जी। तो भाई अब मुझे ये बता, इसमें तुझे, तूने इतना चला लिया है, तेरी बाइक ये कब, ये बता इसमें क्या क्या अच्छा हो सकता था? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पहला तो ये है कि जिस हिसाब से गाड़ी 650 cc इंजन है, जितनी पावर जनरेट करती है, उस हिसाब से इसमें एग्जॉस्ट में उतना साउंड नहीं है। जो कि अगर आप देखोगे कोई 650 cc अदर देन दिस बाइक, तो उसमें अच्छे एग्जॉस्ट, मतलब एग्जॉस्ट नहीं है उसमें, पहले से जो कंपनी देती है, प्रोवाइड करती है एग्जॉस्ट, तो उसमें साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाउड है थोड़ा, एज कम्पेयर टू दिस बाइक, इस बाइक की थोड़ा कम है। मतलब जो मुझे चेंजेस चाहता था मैं, कि अगर इस गाड़ी में आवाज होती तो मजा आ जाता। मतलब अच्छा, फिर ये गाड़ी वन ऑफ अ काइंड है और रहेगी। मतलब अगर एग्जॉस्ट चेंज हो जाए तो क्या बात है इस गाड़ी, फिर एक बीस्ट दिखेगी। मतलब ये तो भाई का देख लो, भाई ने एक हेलमेट में अपना मोहक लगा रखा है। ये मैंने भी ऑर्डर किया है, इससे कितना कूल लुक दे रहा है हेलमेट का, एक देख लो गाइस। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ बाइक का सिनेमैटिक, ठीक है? बाइक की सिनेमैटिक लुक दिखाता हूँ मैं आपको सबसे पहले। आपने बाइक को देख ली है, आपने सिनेमैटिक व्यू देख लिया है, तो अब लेते हैं बाइक का एक टेस्ट, बाइक को चलाते हैं तो पता चलता है, फिर मैं बता रहा हूँ मेरे को क्या एक्सपीरियंस हुआ इस बाइक में, ठीक है?
तो गाइस मैं अपनी भाई की बाइक का एक्सपीरियंस करके आ चुका हूँ, रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर 650। तो आपने तो इसके बारे में सब जान लिया है, भाई ने सब बताया आपको डिटेल में जितना मेन जानना चाहिए। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इसमें। मेरा एक्सपीरियंस मतलब एकदम वाव रहा, क्योंकि 650 cc है तो जानते ही हो मतलब कितनी, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत तगड़ा इंजन है इसमें। और ये है कि हाँ यार, बस एक चीज़ ये है कि इसमें बाइक बहुत भारी है और के मुकाबले, क्योंकि 650 cc तो होगी बाइक भारी, तो एक ये है। और इसमें सबसे मेजर मिसिंग चीज़ क्या है इसमें जो मुझे लगी, वो है इसकी साउंड सिस्टम। क्योंकि जो इसका साउंड सिस्टम है, जो इसका एग्जॉस्ट है, सबसे इसका साउंड सिस्टम इतना तगड़ा होना चाहिए बाइक के हिसाब से, 650 cc के हिसाब से। जैसे भाई ने बताया, आपने सुन लिया होगा इसमें क्या साउंड सिस्टम कैसा है, बस एक ये चीज़ की मिसिंग थी। और नहीं तो मतलब बाइक एकदम टोटल है, हैंडल तो एकदम वही है, वाव है। बट ये है कि मेरे अपने ड्यूक के मुकाबले थोड़ा हैंडल में मुझे थोड़ा अलग लगता है अपने ड्यूक के मुकाबले, बट सही है बाइक, ओवरऑल सही है। ओवरऑल एक्सपीरियंस तो मतलब एकदम ऐसा रहा। अब जाते हैं, अब हम थोड़ा फोटोशूट कर लेते हैं, कैमरा तो लाइन नहीं है, अपने फ़ोन से करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है, जैसे कि आपको पता ही है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको पता ही है आज का ब्लॉग मेरा सिर्फ इतने में ही था। मैंने पहले बोला था कि आज का ब्लॉग मेरा सिर्फ बाइक के लिए रहेगा। तो बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।